सो हाय एवरीवन, इट्स आवर थर्ड डे टुडे ऑफ 15 डेज कोर्स। सेकंड डे में हमने किया था खाली क्लच के साथ गाड़ी को पिक करना है, फुट प्लेसमेंट समझा दी। आज जो चीज़ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ क्लच के साथ, एक्सेलेरेटर के साथ उसे उठाना है। फ़ायदा क्या रहता है क्लच के साथ, खाली क्लच के साथ आप उसे फ्लैट रास्ते पे तो गाड़ी को पिक कर सकते हो, लेकिन स्लोप पे है, थोड़ा बहुत ब्रेकर है, गाड़ी में लोड है, कार्गो, वहाँ पे नहीं पिक कर सकते। तो पल्लवी को मैं बताऊँगा एक्सेलेरेटर रेस पैडल के साथ गाड़ी को कैसे पिक करना है। दो तरीके होते हैं, दोनों मैं बताऊँगा। अभी शी इज़ प्रैक्टिसिंग जो हमने कल बताया था। अब आपको सिर्फ पैडल को देखना है। ओके, अब यहाँ पे क्या करना होता है, अभी तक आप क्या कर रहे थे ऐसे चीज़ें, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। एक तो एडी कभी मत उठाना, स्लाइड करते हुए ले आना। ट्रैफिक में काफ़ी बार लोगों के साथ क्या होता है कि वो ऐसे जब पैर आगे लेके जाते हैं, बार बार चलाई फिर दबाया, चलाई मतलब चलाई गाड़ी थोड़ी फिर रोकनी पड़ेगी, तो आपका पैर स्लाइड करते हुए आगे चला जाता है कई बार और वहाँ पे आगे अटक जाएगा। तो इसके इसका एक तरीका होता है, पैर को ऐसे स्लाइड करते हुए पीछे ले आओ। और दूसरा तरीका ये रहता है, पैर अटक गया मान लो आपके, बिल्कुल पैर का जो तलवा होता है ना उसके बीच में आ गया पैडल, तो क्या होता है गाड़ी को एक बार न्यूट्रल करो, लेकर आओ और फिर अच्छे से सेट कर लो वापस। बट मैं क्या करता हूँ, बार बार इतना टाइम नहीं होता मैं न्यूट्रल करूँ, पीछे से हॉर्न बजेंगे तो मान लो यहाँ अटक गया पैर, तो मैं एडी को ऐसे स्लाइड करते हुए पैर को पीछे ले आता हूँ। ठीक है, आपका सिर्फ फ्रंट ही वहाँ पे टिकना चाहिए। चलो आप एक्सेलेरेटर के साथ मैं बताता हूँ। अभी तक आप कर रहे थे खाली क्लच, अब रेस के साथ पहला तरीका जो कि आसान है वो मैं बताता हूँ। ये तरीका है, एक तो आप रेस के साथ, अब आप पहले क्या कर रहे थे, हल्का हल्का क्लच रिलीज कर रहे थे, आपको वही करना है, हल्का हल्का क्लच रिलीज। लेकिन आप साइमल्टेनियसली आप एक्सेलेरेटर दबाते जाएंगे और क्लच छोड़ते जाएंगे, दोनों चीजें एक साथ, रेस दबाते जाइए क्लच छोड़ते जाइए, इससे गाड़ी को थोड़ा सा पुश मिलता है। ठीक है, आप खाली क्लच के साथ स्लोप पे नहीं उठा सकते। दोबारा बताता हूँ, क्लच पहले छोड़ना है थोड़ा, ठीक है। दूसरा वाला तरीका भी बताऊंगा लेकिन पहले ये समझेंगे, क्लच को थोड़ा रिलीज करना है, रेस देते जाइए और क्लच छोड़ते जाइए। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बैठने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर सही तरीके से सीख लिया तो ये सबसे सही है। ठीक है, ओके? अगर आपने रेस ज्यादा दे दी तो ऐसे आवाज आएगी, और क्लच झटके छोड़ दी तो झटका लगेगा गाड़ी को, तो बहुत स्लोली, हाँ स्मूथली करना है। और आपको लग रहा है नहीं गाड़ी झटके ले रही है, स्टॉल कर रही है, तो थोड़ा सा रेस एक्स्ट्रा दे दो बस, और फिर क्लच छोड़ सकते हो। दूसरा तरीका जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ वो मैं बता देता हूँ, मैं पहले रेस दे देता हूँ, मेंटेन होल्ड करिए, क्लच छोड़िए, छोड़ते जाइए। ओके, व्हिच एवर सूट्स यू डू दैट। पहला तरीका समझ आया क्या था? फर्स्ट यू हैव टू पुट द योर लेग ऑन द एक्सेलेरेटर एंड देन यू हैव टू स्टार्ट रिलीजिंग द क्लच स्लोली एंड पुट अ प्रेशर ऑन द एक्सेलेरेटर साइमल्टेनियसली। एक्जेक्टली, दूसरा ये था कि रेस पहले दे दो थोड़ा, इससे पता अंदाजा क्या होता है, मैं जैसे अलग अलग हम गाड़ियां चलाते हैं, हर क्लच का बाइटिंग पॉइंट अलग अलग है। बाइटिंग पॉइंट मतलब किसी का क्लच तो इतना सा रिलीज करते चल पड़ेगी, किसी गाड़ी का इतना छोड़ेंगे तो चलेगी, अब हमें नहीं पता उस गाड़ी का पॉइंट कहाँ पर है, तो मैं पहले रेस दे देता हूँ। जहाँ गाड़ी चलना शुरू करती है वो मुझे पता लग जाता है यहाँ पर है, बस एक बार मुझे पता पड़ना चाहिए फिर पैर अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, समझ आया? चलो लेट्स डू दैट। सबसे पहले आप मुझे बताइए मैंने क्या बताया था। सबसे पहले क्लच पे पैर रखना है और एक्सेलेरेटर पे। ओके, सो आई विल स्टार्ट रिलीजिंग क्लच एंड यू नो पुशिंग द एक्सेलेरेटर। यस, सेकंड थिंग इज और फिर दोनों एक साथ क्लच को छोड़ते जाना, रेस पैडल को दबाते जाना। कभी भी ये दोनों पैडल एक साथ नहीं दबेंगे ना दोनों एक साथ ऊपर आएंगे, अगर क्लच ऊपर आ रही है तो रेस दबेगी, दोनों में से अगर मतलब रेस नीचे जा रहा है तो क्लच को छोड़ दो, क्लच नीचे जा रहा है तो रेस को छोड़ दो। जैसे घर वाले कहते हैं या तो हमें छोड़ दे या उसको छोड़ दे, तो वही वाला है, कोई नहीं कहता, अब तो घर वाले कहते हैं जिसको चलना है चल ले, वो आपके कहते होंगे, सबके नहीं कहते। अच्छा चलो, अभी पुट इट इन फर्स्ट गियर, इट्स इन न्यूट्रल राइट? यस। ओके, हां एग्जैक्टली। ओके, नाउ फॉर द अब हैंड ब्रेक भूल जाता हूं, हमेशा नीचे ऊपर है, सॉरी मतलब नीचे करना। ठीक है, हां चलाइए, चलाइए, ये ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा, गाड़ी झटके से जा सकती है। स्टॉप 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 स्टॉप। आप सबसे पहले कौन सा वाला तरीका कर रहे हो मुझे ये बताओ, पहले वाला फर्स्ट वन, क्लच को हल्का सा छोड़िए। ओके, छोड़ दिया, अब रेस दीजिए, हाँ फिर क्लच छोड़िए फिर थोड़ा रेस दीजिए, रेस कम था। ठीक है, हाँ नहीं पहले क्लच दबा के स्टार्ट करिए, हाँ यस, वरना गाड़ी झटके से आगे बढ़ सकती है, लग सकती है किसी में। ओके, हाँ शिफ्ट इट इनटू फर्स्ट, अभी चलिए,
क्लच को हल्का सा रिलीज करने के बाद रेस देते जाना, क्लच छोड़ते जाना, रेस देते जाना. गुड, आराम से स्टीयरिंग को वहीं राइट. रोको, स्टॉप. गुड, चलो आपकी ये प्रैक्टिस तो है कि क्लच से दबा रहे हो रोकते टाइम. एक दो बार मिस हो गया था. चलो वापस वही प्रैक्टिस करो, इसी चीज की अभी आपको प्रैक्टिस करनी है. हम आज कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, बेसिक्स पे प्रैक्टिस करेंगे. यही दो चीजों की मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ. फिर एट द एंड आप देख लेना आपको कौन सा ज्यादा सूट कर रहा है. वैसे दोनों कारगर है. हाँ, सीट आप अपने हिसाब से, ये वाला मिरर आप अपने हिसाब से करेंगे. चलो हल्का सा, हाँ थोड़ा रेस, थोड़ा. देखो फुट को शुरू में ये होता है सबके साथ, फुट को ट्रेन करना है धीरे धीरे. नहीं धीरे धीरे, हाँ इतना ठीक है. चलो राइट वन लेना, छाव में करेंगे. चलो मैं दबा नहीं रहा हूँ क्लच, ठीक है. क्लच मैंने सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखा है कि अगर कुछ आ गया तो पैडल. ओके, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा गाड़ी को चलाना है, फिर रोक देना है, फिर चलाना है, फिर रोक देना है. इससे पैर की प्रैक्टिस करनी है बेसिकली आपको. ठीक है, चलाओ. गर्मी अगर लग रही है तो विंडो नीचे कर लो. एसी इसलिए नहीं चला रहा क्योंकि एसी चलाने पर गाड़ी पे दबाव पड़ता है तो आपको पिक करने में दिक्कत होने वाली है. ठीक है, डॉगी है इधर लेफ्ट में. स्टॉप. चलो वापस, थोड़ा 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 थोड़ा. हाँ हुआ ना. हाँ थोड़ा सा रेस, जैसे जैसे झटके लेते हैं इंजन, स्टीयरिंग में आपको वाइब्रेशन फील होंगे जो भी गाड़ी ऐसे झटके लेगी. ये पता चलता है कि आपने एक्सेलरेट थोड़ा कम कर रखा है, थोड़ा ज्यादा दो उसे. ठीक है, ये पहचान होती है. रुको, चलाओ धीरे 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 धीरे. हाँ सही है. आज ये होने के बाद अगला दिन होगा यही चीज प्लस रिवर्स में चलाना थोड़ा बहुत. आप शुरू में रेस देते हो लेकिन मेरे ख्याल से जब क्लच पैडल आप छोड़ रहे हो ना उसके वक्त आप रेस भी छोड़ देते हो, है ना. लाइक कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम. हाँ हो जाता है, जैसे हम दोनों हाथों से अलग अलग काम नहीं कर पाते. लेकिन हाँ यही तो मैं मल्टीटास्किंग की बात कर रहा था. अब दूसरा तरीका करके दिखाओ मुझे. रेस पहले देना है. Okay. मैं जैसे अच्छा अब आपको देखना सामने सुनना मुझे है. okay. और जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बताऊंगा वही करते जाना है. ठीक. अब आपको सबसे पहले क्लच को पूरा दबाना है. ओके, रेस को थोड़ा प्रेस करिए पेडल और होल्ड करिए उसे. एग्जैक्ट थोड़ा सा और मेंटेन किया. क्लच को आप अब रेस को यहीं पे मेंटेन रखना, क्लच को धीरे धीरे छोड़ते जाइए धीरे. लेकिन हाँ चलाइए, कुछ नहीं होगा. ये सही था ना, कौन सा इजी था. I guess this one is good. राइट में देखना लेकिन. ठीक है, गियर तो फर्स्ट ही है, यू डोंट नीड टू चेंज इट अगेन एंड अगेन. खाली क्लच दबा के यू कैन स्टार्ट. ओके चलो पहले रेस. हाँ सही है, सही है, ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है, कम थोड़ा ज्यादा. हाँ आप क्लच रिलीज करिए रेस को मेंटेन करके, है ना. चलो जितना आंखों का यूज होता है ना ड्राइविंग उतना ही कानों का भी होता है. जैसे मैं जब वहाँ पिक करने आया था तो सेक्टर की गलियों में जैसे दिखाई नहीं देता है जो कर्व्स है वो, मतलब वैसे ब्लाइंड है. तो मैं विंडो नीचे कर लेता हूँ और मुझे सुनाई देना चाहिए किसी गाड़ी के हॉर्न. इनफैक्ट टायर्स के साउंड भी सुनाई दे जाती है अगर कोई हॉर्न प्रेस नहीं कर रहा है तो, वो भी हेल्प करती है. वी हैव टू यूज ऑल आवर सेंसेस. अब एक काम करेंगे, जब मैं कहूँ कि चलाओ तो आपको गाड़ी पिक करनी है और जब मैं कहूँ ब्रेक आपको तुरंत झटके से गाड़ी रोकनी, आराम से नहीं, सडन जर्क आना चाहिए गाड़ी को. ठीक है, यहाँ लगाइए पहले, बस ओवर ना हो जाए. मतलब ऐसा ना हो कि ज्यादा चीजें एक साथ हो रही है क्योंकि अल्टीमेट पता है कहाँ पैनिक ब्रेकिंग में से हेल्प मिलती है. रोकिए स्टॉप. आप जब मैं कहूँ चलाओ तो आपको गाड़ी चलानी है और जब मैं कहूँ स्टॉप तो विद एक्सीलरेटर राइट. यस हाँ, रेस के साथ ही चलाना. और जब मैं कहूँ कि स्टॉप तो एक तुरंत के तुरंत आपको ब्रेक हिट कर देना है, धीरे नहीं एकदम झटके से चलाओ. रेस नहीं दिया आपने, खाली क्लच के साथ पिक, क्लच दबा के स्टार्ट. बढ़िया चलाओ. स्टॉप. हाँ चलाओ चलाओ चलाओ.
स्टॉप, बढ़िया चलाओ, कम कम कम, ठीक है स्टॉप, इससे पैर की मूवमेंट फास्ट होती है, ठीक है अब घुमाओ गाड़ी, आराम से स्टॉप, बढ़िया मुझे तो बड़ी पसंद है साउंड साउंड पसंद है बड़ी, टेक द हार्ट बीट हो जाती है, वो आदत भी तो पड़नी चाहिए ना उस चीज की, चलाओ अरे कुछ नहीं हो, कहीं नहीं टॉपल रोल ओवर नहीं हो रही है गाड़ी ऐसे, ठीक है एटलीस्ट स्लो स्पीड पे तो नहीं हो रही है, चलाओ धीरे 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 धीरे, यस जितना जल्दी प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी जल्दी आप रोड पे जा पाएंगे, ठीक है धीरे धीरे एक्सेलेरेट थोड़ा कम कम कम, हाँ यस स्टॉप, बढ़िया चलो अब सेकेंड गियर में लगाना है गाड़ी, ठीक है घुमाते घुमाते ही लगाओ, हाँ चलो रेस देना छोड़ के, नहीं स्लो काफी हो गई है, जब भी हम अपशिफ्ट करते अगले गियर में जाते तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के और फिर शिफ्ट करना, मतलब वी डोंट हैव टू रिमूव दिस लेग फ्रॉम द रेस पेडल, नहीं जब भी आप देखो आपने क्लच दबाने के लिए चेंज करना है, अब क्लच दबाने का रूल क्या होता है, अगर क्लच दबा रहे हो तो रेस छोड़ दो, सिर्फ इसी वजह से हमें रेस छोड़नी होती है, जिस भी मोमेंट कुछ भी करना है गाड़ी में व्हाटएवर यू आर डूइंग, क्लच अगर दब गया तो रेस छोड़ रहा है आपको, फिर रोकनी है गाड़ी, आपको अपशिफ्ट करना है, आपको डाउन शिफ्ट करना है, डजंट मैटर, क्लच अगर दबी है तो रेस छोड़ दो, किसी भी वजह से क्लच दबाई है, ठीक है अभी गाड़ी मेरे ख्याल से स्टार्ट है, गाड़ी अभी मूविंग नहीं है, ऑलवेज पिक द कार इन फर्स्ट गियर, क्योंकि जो बड़े गियर है ये गाड़ी को स्पीड देने के लिए ना कि पिक करने के लिए, हाँ फर्स्ट में अभी क्लच दबा रखी है ना, देखो आपने हथेली से ये वाला किया सही है, गियर का इन मतलब नॉर्मली फंक्शन कैसे करेगा कि जैसे छोड़ते हो तो सेंटर में आ जाता अपनी न्यूट्रल थ्री और फोर के बीच, तो अगर आप सिर्फ ऐसे कर रहे हो तो जैसे आपने हल्का सा रिलैक्स किया इसको ये सेंटर में आ गया और फिर आप सेकंड की जगह फोर्थ लगा देते हो, तो आपको इसको इधर आने से रोकना है हथेली से, ठीक है इसको इधर पुश करके रखना सेकेंड और ठीक है फर्स्ट से सेकेंड, ठीक है दिस इज द वे, मेरे ख्याल से मेरे पैडल के पैसे वेस्ट हो गए, यूज ही नहीं करना पड़ रहा, नहीं आगे और भी स्टूडेंट्स आएंगे, यू नेवर नो, आपने आपके गाड़ी सीखने की वजह क्या थी, वैसे शायद मैंने पूछा था, मतलब मोस्टली बेसिकली आई एम फ्रॉम अ विलेज, ठीक है तो पहले दिल्ली थी तो आई यूज्ड टू ट्रैवल ऑन माय ओन, ठीक है मतलब सिस्टर फैमिली कोई ना कोई जाता रहता था, अब आई एम जस्ट गेटिंग फार एंड फार अवे फ्रॉम माय फैमिली, तो इट्स बीन लाइक 6 महीने हो जाते हैं 5 महीने हो जाते हैं मैं घर ही नहीं जा पाती हूँ, तो फॉर दैट रीजन आई नीड, तो नेसेसिटी है या पैशन है, एक जस्ट मैं वो तो है ही, मतलब वो तो है, कार्स तो आई लव कार्स, ओके क्योंकि क्या होता ना जो हमारा मोटिव रहता है ना उसके बेसिस पे डिपेंड करता है हम कितनी जल्दी, अगर पैशन है तो जल्दी सीख जाते हैं, जरूरत है कि भाई मेरे तो ऑफिस तक जाने के लिए, आई वुड से सेकेंडरी मेरे लिए, ठीक है मतलब ऑब्वियसली दे विल गिव मी ऑप्शंस पिक अप एंड ड्रॉप, बट मुझे सीखना जरूरी, मतलब आई लव इंडिपेंडेंट, यू नो बीइंग इंडिपेंडेंट, फील सही है कि किसी को सोचना नहीं है देखना नहीं है, यू जस्ट पिक योर ओन कार एंड यू जस्ट लीव, क्योंकि जिनको सिर्फ नेसेसिटी होती है ना यार ऑफिस जाना है बाइक है धूप हो जाती है गाड़ी हो तो अच्छा रहता है जरूरत है, वो थोड़ा सा देर करके सीखते हैं, जिसमें जुनून है वो चाबी लेके निकल जाएगा बिना बताए करते वो जल्दी सीखते हैं, थोड़ा रेस करिए स्लो पट रही है गाड़ी, देखिए जैसे सेकंड गियर आप 20 की स्पीड से ऊपर लगाते हैं तो अगर आपकी स्पीड 20 से नीचे आ रही है मतलब दिस स्पीड इज नॉट फॉर सेकंड गियर नाउ, ओके मतलब देयर आर लिमिट्स लाइक 10 तक फर्स्ट ऐसे 20 तक सेकंड, 10 मतलब 5 का प्लस माइनस चलता है, ओके ठीक है फर्स्ट में आप 10 तक ले जाओ 15 तक ले जाओ 20 जैसे क्रॉस करता है मेक श्योर योर कार इज इन सेकंड गियर नाउ, अगर आप एक ही गियर में ज्यादा गाड़ी को पुश करते हैं वहां पे दो चीजें होती है, तो सबसे पहला आपकी गाड़ी फ्यूल ज्यादा लेती है, अगर आप छोटे गियर में बहुत गाड़ी को रैव करा रहे हो खींच रहे हो भगा रहे हो तो सबसे पहला फ्यूल कंज्यूम माइलेज ड्रॉप, सेकंड गाड़ी पे लोड मतलब इंजन लाइफ थोड़ी सी कम, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल खत्म हो जाती है लेकिन दिस इज नॉट गुड फॉर द इंजन, ओके ठीक है मूविंग जो मूवमेंट है मूविंग पार्ट्स बहुत बढ़ जाती है, तो सेकंड गियर लगाइए मतलब जब 20 से ऊपर स्पीड चली जाती है, हाँ मतलब हर गियर की एक रेंज है वो उतनी स्पीड से ऊपर डलेगा,
हालांकि ऐसे नहीं जा ही नहीं सकते, मैं जैसे पहले गियर में जैसे हम कभी भगाते गाड़ी तो 50-50 की स्पीड तक फर्स्ट में ले जाते हैं, फिर दूसरे गियर में 80 की स्पीड तक, जब रेस मान लो कोई ड्रैग रेस वगैरह कर रहे हैं तो वो बढ़ जाती है स्पीड, लेकिन नॉर्मल ऐसे लेवल पर नहीं करना है। जितना पैर ऊपर क्लच का आ रहा है ना उतना ही पैर रेस का जाएगा, बस डिफरेंस ये है वो पैडल ऊपर आ रहा है वो पैडल नीचे जा रहा है, दिस इज द ओनली डिफरेंस। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं था, बस हमने जस्ट क्लच और रेस की प्रैक्टिस करनी है, अगले दिन जो मैंने बताया था वैसा ही होगा, एक दो चीजें ऐड हो जाएंगी, रिवर्स थोड़ा ऐड हो जाएगा और स्टीयरिंग के बारे में बता दूंगा। एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, इस प्लेलिस्ट को देख लेना, ये है मैनुअल गाड़ी की, वैगनर पे सिखा रहा हूँ, दूसरी ऑटोमेटिक गाड़ी की, कुछ लोग ऑटोमेटिक गाड़ी लेकर सीखते हैं स्टॉप, हाँ तो वो प्लेलिस्ट भी देख लेना, एंड थैंक यू सो मच।